हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि ये बल्ब कैसे रिपेयरिंग करेंगे, फ्यूज बल्ब को कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए, ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो गया, मतलब टोटल रोशनी नहीं दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसको हम अभी खोल के चेकिंग करेंगे। तो फ्रेंड, ये जो बल्ब है 12 वाट के है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये बल्ब फ्यूज हो सकता है। एक बल्ब फ्यूज है तो पूरा बल्ब नहीं जलता है इसमें। ये देखिए, एक बल्ब जो है ब्लैक कलर हो गया है, तो इससे मालूम पड़ गया है कि वही बल्ब फ्यूज है। ये सीरीज का कनेक्शन रहता है, मतलब चेन कनेक्शन रहता है, ये बल्ब को दूसरा बल्ब से जुड़ा रहता है। तो इस पर एक बल्ब कट हो चुका है, तो कनेक्शन कट हो जाता है बीच में से, मतलब ये सीरीज कनेक्शन है। इसको हम चाकू से ये बल्ब को हटा देके हम इसको शोल्डर कर देते हैं, मतलब उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल में आता रहता है। तो फ्रेंड, देखिए मैंने इसको हटा दिया है बल्ब को, तो इसको देखिए मैंने सोल्डरिंग कर दिया है, देखिए। तो इसको हम अभी बल्ब को लगा के होल्डर में चेकिंग करेंगे कि कैसा लाइट आ रहा है। आप लोगों को दिखाएगी इसका रश्मि, देखिए बल्ब देख सकते हैं, देखिए इसका रश्मि कैसा आ रहा है, मतलब ये ठीक हो गया है। तो आप भी ऐसा 1-2 मिनट में बल्ब को ठीक कर सकते, कुछ भी इसमें नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।